नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बीएड और बीटीसी धारकों में इस समय बड़ी चर्चा चल रही है। इस चर्चा का कारण सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वह जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। अदालत के फैसले में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को इच्छुक व्यक्तियों को बीटीसी या इसके समकक्ष डीएलएड पूरा करना होगा। हालांकि ये मामला राजस्थान से जुड़ा था, पर चूंकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। चलिए मामले को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल साल 2018 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि बीएड डिग्री धारकों को भी रिट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स लेवल 1 के लिए योग्य माना जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें अपनी नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद राजस्थान में बीटीसी डिप्लोमाधारी बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने पर आंदोलन पर उतर आए थे, जिसके बाद ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया था जहां एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, जबकि बीएड वालों ने रीट लेवल 1 में उन्हें शामिल किए जाने को लेकर हाईकोर्ट से अपील की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया था। अब चूंकि एनसीटीई का मामला था इसलिए एनसीटीई और केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और बीएड वालों को शामिल किए जाने का समर्थन किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एनसीटीई और केंद्र सरकार की एसएलपी समेत मुकेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई। इसके साथ ही अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया कि बीएड डिग्री धारक पांचवी कक्षा तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब चूंकि बीएड बड़ी डिग्री है इसलिए इसके डिग्री धारक पांचवी कक्षा से आगे के स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र होंगे। अब जरा आप गंभीरता से सोचें कि अगर बीएड बड़ी डिग्री है और बीटीसी डिप्लोमा है तो किसी बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति को किसी छोटी जॉब में जाने के लिए कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके पीछे भी कोर्ट का मानना है कि बीटीसी प्राथमिक विद्यालय की टीचिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और कौशल पर जोर देता है, जिसके चलते प्राइमरी लेवल पर बीटीसी या इसके समकक्ष की ही योग्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।